अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब। तो मैं शबे बरात के लिए हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी ली हूँ तकरीबन 1.5 कप, और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स, आप ड्राई फ्रूट्स में आपको खोपरा लेने का है तो वो भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मुझे जो पसंद है वो मैं ली हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख सूजी भून रही हूँ। यहाँ पे मैं बारीक सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैं हल्का भूनने के लिए अभी इसे भून रही हूँ। यहाँ पे मैं रवा भून रही हूँ, तो भून के 2 से 3 मिनट और भूनूंगी इसे मैं। पे मैंने दूध का पाक दिया, अगर आपके पास पानी का भी चाशनी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर दूध की चाशनी बना रही हूँ। रवा भून के हो गया, अभी मैं इसे निकाल, यहाँ पे रवा मैं निकाल दिया। घी ऐड करूँगी मैं इसमें, 2-3 इलायची के टुकड़े करके ऐड कर दी। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसे हल्का भून लेती हूँ। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी भून चुके हैं, अभी मैं रवा भी ऐड करूँ इसमें और मैं इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं और मिक्स करके एकदम अच्छे से इसे भून लेती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने एकदम मीडियम पे रखी हूँ। हमारी चाशनी तैयार हो रही है, चाशनी हमारी तैयार करूँगी। चाशनी मिक्स कर ली हाथों की मदद से, इस तरीके से बहुत गर्म है, जल्दी जल्दी बना। यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से सेट कर दी और मैं इसे गार्निश करूँगी। अब मैं इसके ऊपर पिस्ता ऐड करूँगी। अभी मैं इसे रख देती हूँ साइड में ठंडा होने के लिए। तो हमारी इफ्तारी रेडी है, अभी इंशाल्लाह अजान होगा तब हम सब इफ्तारी करेंगे। यहाँ पे हमारी बिरयानी तैयार है। मैंने इफ्तारी भी कर ली थी और नमाज़ भी अदा कर ली थी। मैंने मगरिब की नमाज़ बहुत जल्दी कज़ा हो जाती है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखें। आप सभी को शबे बरात बहुत बहुत मुबारक।